सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उधर देसी पत्रकार धर्मवर भाई देसी देख बिना ब्रेक बाइक सिर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल जो है गुरुग्राम में मौजूद है और अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड है उसके अंदर लाखों की संख्या में भीड़ जो है यहाँ देख रहे हो तुम, और उसे भीड़ में यानी के जो आगाज कराया गया डॉक्टर अशोक तंवर मारगेला मौजूद है। हरियाणा की राजनीति का एक अलग चेहरा है, एक यूनिक चेहरा है। पहले तो हमारे दर्शक ने राम राम मान दो जी। राम राम जी सबने, राम राम पूरे हरियाणा वासियों सबने राम राम। डॉक्टर साहब काफी महत्वपूर्ण पदों पर भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों में रहे आप, और ये फिलहाल जो है एक ऐसे राजनीतिक दल के साथ भी आप बढ़ चले हो यानी तृणमूल कांग्रेस के बात करो, तो ये जो आज का जो प्रोग्राम, आज का जो आगाज है अहीर रेजिमेंट की जो डिमांड है उसने क्यों फिर तोड़ के देख सका? देखिए आज हमारी पार्टी की तरफ से हम सारे साथी समर्थन देने के लिए आए हैं, और ये 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना है अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के, और मैं फौजी किसान मजदूर का बेटा हूं इसलिए मैं खास तौर पे पार्टी की तरफ से आया हूं। अगले ही हफ्ते हमारी पूरी पार्टी पार्लियामेंट के दोनों सदनों के अंदर इस मुद्दे को लेकर के आवाज उठाएगी और सुनिश्चित करेंगे कि जो एक हक है ये मांग है, क्योंकि ये मांग स्वाभिमान के लिए है, ये मांग उनका एक जो गौरवशाली इतिहास रहा है फौज में, इस देश के संस्कृति और इस देश के इतिहास में उस गौरव को दोबारा प्राप्त करने की बात है, तो मुझे लगता है कि जायज मांग है और इनका पूरा समर्थन हमारे साथियों द्वारा है। सबसे बहुत बड़ा पद आपके पास जो है कांग्रेस पार्टी में रहा है, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोटा पद नहीं होता, उसके बावजूद भी क्या कारण रहा कि हरियाणा के लोगों की जो डिमांड थी वो आपके माध्यम से पूरी नहीं हो पाई? हमारी सारी मांग पूरी होगी, जहाँ लुटेरे जो लोग बेईमान हैं, अत्याचारी हैं, पापी लोग हैं, जहाँ उनका वास हो जाता है वहाँ सब सर्वनाश हो जाता है, यही भगवान कृष्ण ने हमें बताया है, और आने वाले टाइम में फिर खड़ा कर देंगे सारा सौदा। आपकी पार्टी जिस पार्टी से आप जुड़े हो उसका जनाधार बनाने के लिए ये तो एजेंडा आप लोगों के पास हरियाणा की किस तरह की पृष्ठभूमि के ऊपर काम? सौ बातों का एक ही हल होता है, वो है मेहनत करो, और मेहनत करने में पीछे नहीं, फिर मेहनत करेंगे और फिर आगे फिर मामला जमा देंगे। चलान के ढेर पर्ची कटी है? नहीं, ये तो हमारे सभी साथियों ने मिलकर के सहयोग किया है, जो भी हम सहयोग कर सकते थे, क्योंकि ये सामाजिक काम है और सारा समाज मिलकर के कोई एक मकसद लेकर के चला है, संकल्प लेकर के चला है, और उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इस रेजिमेंट की स्थापना के बाद क्या लगा आपने, इंडियन आर्मी में क्या नहीं जाना होगी? सब बढ़िया होगा, हरियाणा तो हर 10वां फौजी हरियाणा से है इस देश की फौज में, और ये लोग तो हमेशा ही कुर्बानियां देते रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे नाम से कुर्बानी हो, हमारे नाम से हम जो है फौज की और सेवा कर सके, जो जायज मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर अशोक तंवर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इंडियन अहीर रेजिमेंट के लिए सहयोग की अगर बात करें तो पार्टी की तरफ से भी और व्यक्तिगत तौर पर भी सहयोग करने की बात डॉक्टर अशोक है, जो की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, और फिलहाल जो है तृणमूल कांग्रेस का दामन जो है संभाल रखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखियो, यह जो डिमांड है उसका मिशन किस तरह का विचारधारा चल रही है, उनका ये मकसद है। डॉक्टर सिंह मैं तेरा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत।